सदियों से शोध के जरिए ये पता चला है कि हृदय सिर्फ मानव जीवन को संचालित करने वाला कुशल पंप भर नहीं है। शोध से ये पता चलता है कि हृदय ज्ञान और बुद्धि तक पहुंचाने का तरीका है। साइकोफिजियोलॉजिस्ट और न्यूरोकार्डियोलॉजिस्ट अभी भी मानव हृदय के बारे में ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हृदय का जीवन को अधिक संतुष्ट और रचनात्मक बनाने में क्या योगदान है। रिसर्च के जरिए पता चलता है कि हृदय सिर्फ पंपिंग इंस्ट्रूमेंट भर नहीं है, भावना, साहस और बुद्धि का काम भी हार्ट एनर्जी मेरिडियन से होता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं पायलट और रिसर्चर अरविंद सिंह जी। पेरिकार्डियम एनर्जी मेरिडियन की चर्चा के दौरान हमने हृदय रक्षा की बात की थी। आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं हार्ट एनर्जी मेरिडियन से। हार्ट एनर्जी मेरिडियन पर चर्चा शुरू करें इसके पहले आपको बता देते हैं कि हृदय मस्तिष्क और शरीर से चार तरीके से संचार होता है। इस सब के बारे में कैप्टन साहब से जानेंगे। वे हमें बताएंगे हार्ट एनर्जी मेरिडियन का हमारे शरीर में क्या योगदान है। आपको एक दिलचस्प बात बता दें, आमतौर पर हम लोग मानते हैं सोचने, समझने, भावनाओं का काम दिमाग का है, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि हृदय मस्तिष्क के मुकाबले 5000 गुना ज्यादा विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करता है। इसलिए खुश दिल ज्यादा आसानी से बड़े काम कर पाता है। आइए इस मेरिडियन पर विस्तार से चर्चा करते हैं पायलट और रिसर्चर कैप्टन अरविंद सिंह जी के साथ। अरविंद जी, ये बताइए हार्ट एनर्जी मेरिडियन, पहली बात तो ये बताइए शरीर में कहाँ होती है, इसका असर क्या होता है, कैसे इसको नापा जा सकता है, ये सब सवाल जो है आज हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सब जानना चाहते हैं। पहले सबसे पहले बताइए हार्ट एनर्जी मेरिडियन होती कहाँ पे शरीर में। आशीष जी, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, हृदय की जो एनर्जी मेरिडियन है हृदय से होकर डायफ्रामा तक जाती है, डायफ्रामा से छोटी आंत तक, और इसकी दूसरी आंतरिक शाखा है जो गले से आंख तक जाती है और उसको कनेक्ट करती है, और तीसरी जो उसका जो चैनल है, जो तीसरी शाखा है, वो हृदय से फेफड़े तक भी जाती है, और दूसरी शाखा का एक भाग जीभ से भी कनेक्ट होता है। ये इसकी पूरी जो हार्ट एनर्जी मेरिडियन की जो रचना है शरीर में, ये बिल्कुल इस तरह से बनी हुई है। तो इसको, इसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है हार्ट एनर्जी मेरिडियन में, तो आपके क्या दिखता है शरीर में, किस तरीके के संकेत आते हैं इस पे? एक तो सबसे पहले जब आप हार्ट एनर्जी मेरिडियन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा को ज्ञात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अस्थिरता जो होती है वो पेट में भी देखी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हृदय की जो एनर्जी मेरिडियन है उसकी एक शाखा छोटी आंत से जुड़ी हुई है, जिसको हम आगे चर्चा में जब छोटी आंत की एनर्जी मेरिडियन की बात करेंगे तो परस्पर संबंध हार्ट एनर्जी मेरिडियन का भी आएगा। तो एक तो सबसे पहली पहचान क्या है कि छोटी आंत में हार्ट एनर्जी मेरिडियन का पूरा संपर्क है। तो इसके किस तरह के संबंध हैं, यदि पेट में गड़बड़ है तो हार्ट में भी ऊर्जा की कमी होगी, हार्ट में एनर्जी की कमी है तो छोटी आंत में भी ऊर्जा की कमी होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी के पेट में कहीं कुछ गड़बड़ है तो आपका हार्ट में भी प्रॉब्लम दिखाई, हार्ट एनर्जी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जब आप देखेंगे कि आपके पेट में गड़बड़ है और आपकी हार्ट एनर्जी मेरिडियन से उसको नापा जाता है, इसीलिए दोनों मेरिडियंस के पॉइंट यहीं छोटी उंगली पे हैं, यहाँ से ही ये डायफ्रामा, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया अभी चित्र में आप देख सकते हैं, तो अंदर का जो पॉइंट है वो हार्ट एनर्जी मेरिडियन को देखने के लिए है और बाहर का पॉइंट जो है वो छोटी आंत की एनर्जी मेरिडियन को नापा जाता है। तो बिंदु यही है, स्थान यही है। और जैसे कि आपने पूछा कि दूसरे और क्या संकेत होंगे, भावनात्मक अस्थिरता, क्योंकि जो हार्ट है उसका काम है भावनाओं के प्रति कार्य करना, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप किसी भी इंडिविजुअल में जब आप देखेंगे कि व्यक्ति विशेष के अंदर चिंता के भाव बहुत हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उनकी हार्ट एनर्जी मेरिडियन जो है उसमें ऊर्जा की कमी है। और क्या होगा, अवसाद होगा, और जो परस्पर सामाजिक व्यवहार में पकड़ने वाली बात है, दूसरों से जुड़ने में असमर्थता,
यानी कि आप व्यक्ति को हमेशा देखेंगे कि वो अकेलापन महसूस कर रहा है, वो लोगों से जुड़ने में असमर्थ है। यह भी एक बहुत स्पष्ट जानकारी है कि हार्ट एनर्जी मेरिडियन उस ऊर्जा की उस व्यक्ति विशेष में कमी है। बहुत दिलचस्प बातें बता रहे हैं अरविंद सिंह जी। अरविंद जी ये बताइए, सनातन से इसका क्या कनेक्ट है? हार्ट एनर्जी मेरिडियन और हृदय का सनातन से बहुत गहरा संबंध है। जैसे आप इसको इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि हृदय में चेतना बसती है और चेतना से जुड़ाव आपका तभी अच्छा होगा जब आपकी हार्ट एनर्जी मेरिडियन अच्छी हो। जैसे कि आप हम लोगों ने तो लगातार देखा है, अनुभव किया है, ये व्यक्तिगत दिलचस्पी की बात होती है। जब भी आप किसी योगी, संत, महापुरुष, शंकराचार्य, किसी की बात को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, आपको एक बहुत आम तौर पर एक बात हमेशा वो कहते नजर आएंगे, जितने भी संत महापुरुष हैं। आपने सनातन धर्म की बात की, इसलिए मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो हमेशा कहते हैं कि आप हृदय से आइए, अर्थात जो आपकी हृदय की चेतना है उससे जुड़ाव आपको वो मार्गदर्शन कराता है। और हार्ट एनर्जी मेरिडियन जो है वो उस चेतना से जोड़ती है, और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी विधाएं और विधान हैं। जैसे कि सनातन धर्म में आपको कहा जाएगा पुरस्चरण करिए, या मंत्रोच्चारण करिए, या सत्संग सुनिए, या गीता पढ़िए। इन सारे विधाओं में, विधानों में, शास्त्रों में वह ऊर्जा विद्यमान है जो आपको आपके हृदय की चेतना को जागृत करने, प्रफुल्लित करने और मजबूत करने में सहायता करती है। और ये बड़ा अद्भुत प्रक्रिया जो है एक अध्यात्म का शुरू हो जाता है। एक मन में सवाल उठ रहा है, वो ये उठ रहा है कि भाई आपने कहा कि जब भी आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाइए, चाहे वो शंकराचार्य जी हों, आप कहते हैं कि हृदय से जाइए उनके पास। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई आप, मतलब ईश्वर ने भी जो है दिमाग को दिल से ऊपर का दर्जा दिया है, इनमें से आप किसको ऊपर रखेंगे, हृदय को या दिमाग को? देखिए आशीष जी, शरीर जो है वो भावनाओं का कच्चा माल है, और मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क अर्थ प्रदान करता है। सो अर्थ निश्चित ही, जैसे आपको कभी किसी बात से डर, आश्चर्य या उत्तेजना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हृदय में पैदा होती है। आप जब कभी भी घबराहट, एक बात को आप गंभीरता से सोचिए कि जब भी ये डर, उत्तेजना, किसी तरह का आश्चर्य जब आपके भीतर आता है, निश्चित ही उसके अर्थ के क्रम में मस्तिष्क का कार्य आ जाता है। सो मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। आप मस्तिष्क से उसको एनालाइज करिए, उसको समझिए और परस्पर संबंध स्थापित करके उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आप निर्णय निश्चित ही मस्तिष्क के लेते हैं। ये बताइए अरविंद जी, हमने हमेशा ये देखा है आपसे, जब तीन बार भी बात हुई आपने कहा है कि भाई एनर्जी का ध्वनि से या साउंड से या वाइब्रेशन से बहुत ज़बरदस्त जुड़ाव है। अगर एनर्जी मेरिडियन में, अगर आपको खासतौर से हार्ट एनर्जी मेरिडियन में अगर किसी भी तरीके से हमें किसी मंत्र उच्चारण से या साउंड से मदद मिल सकती है उसको स्ट्रॉन्ग करने में, वो कौन से मंत्र हैं या कौन सी साउंड हैं? देखिए कुछ ऐसे ध्वनि है जो इंस्ट्रूमेंट से, नाद से, कई तरह से पैदा किए जा सकते हैं। हारमोनियस जो नोट्स हैं वो पैदा की जा सकती हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी 528 हर्ट्ज़ है। तो इस तरह के जितनी भी ध्वनि हैं आप सुनेंगे तो आपकी हार्ट एनर्जी मेरिडियन वो मजबूत होती है, उसमें ऊर्जा प्रदान होती है। और एक बहुत अच्छी जो प्रॉपर्टी है जो हमने देखा है मंदिरों में, 963 हर्ट्ज़ की जो ध्वनि है वो मंदिर के घंटे से पैदा होती है। तो जैसे ही आप मंदिर में जाकर घंटे बजाते हैं, उसके नीचे आप खड़े होते हैं, उस ध्वनि, उस कंपन से जो आपकी हार्ट एनर्जी मेरिडियन है उसको अच्छी ऊर्जा प्रदान होती है। और ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं, जब भी आप मंदिरों में जाते हैं आपको अचानक से एक जॉय, एक आनंद की अनुभूति होती है। ये सारे इस वातावरण का परिणाम है। कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं कि सर, कि महज एक घंटा बजाने से जब आप मंदिर जाते हैं ऊर्जा पैदा होती है 936
963 हर्ट्ज की जो एनर्जी पैदा होती है उससे आपको जो जो ऊर्जा मिलती है उससे आपको हार्ट मेरिडियन में आपके जो हार्ट एनर्जी मेरिडियन है उसमें मदद मिलती है। बहुत बड़ी बात बताइए अरविंद जी। अरविंद जी ये बताइए खान पीन किस तरीके का रहना चाहिए जिससे कि हार्ट एनर्जी मेरिडियन जो है वो ठीक रहे। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो हार्ट एनर्जी मेरिडियन को अच्छी तरीके से चार्ज करते हैं। हरी सब्जियाँ भी हार्ट एनर्जी मेरिडियन के लिए बहुत अच्छी पाई गई हैं। फलों में स्ट्रॉबेरी को बहुत अच्छा माना गया है, उसका लगभग शेप भी हार्ट की तरह है, आपने देखा होगा। और अदरक, अदरक को बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक उपचार के रूप में देखा गया है और अदरक से भी हार्ट एनर्जी मेरिडियन अदरक जाती है। गर्मियों में लिया जा सकता है, गर्म होता है तो। निश्चित ही मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं चाहे सब्जियाँ हों चाहे फल हों चाहे जड़ हों, अदरक एक तरह की जड़ है, इसके सेवन से कभी कोई नुकसान नहीं होता। इसकी आपको मात्रा निश्चित करनी होती है। बहुत अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ लेंगे तो नुकसान हो सकता है, परंतु इसके सिर्फ फायदे होते हैं। अच्छा अब ये बताइए आपके पास तो यंत्र है, मुझे पता है आप अभी मुझे नाप के दिखा देंगे। आम आदमी को अगर ये देखना है कि मेरा हार्ट एनर्जी मेरिडियन ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कैसे देखे हार्ट एनर्जी मेरिडियन, उसके संकेत कैसे मिलेंगे, वो कैसे उसको नाप के देख सकते हैं? ये स्थिति है जैसे कि मैंने अन्य मेरिडियंस को भी जांचने के समय आपको बताया था, जब छोटी उंगली और अंगूठे को जोड़ा जाएगा, पूरी ताकत से जोड़िए और दूसरे व्यक्ति को इसमें से उंगली बाहर निकालनी है। यदि आसान से निकलती है इसका मतलब है कि ऊर्जा की कमी है, और यदि इसके अंदर अच्छी ग्रिप है अच्छी ताकत है स्वाभाविक है कि हार्ट एनर्जी मेरिडियन की ताकत बराबर है। अरविंद जी ये बताइए आमतौर पर मैंने ये देखा है कि महिलाएँ जो हैं उनमें सहनशीलता ज़्यादा होती, हार्ट अटैक के केसेस भी मैंने कम देखे हैं महिलाओं में। मतलब मैंने देखा है कि मेल्स में ज़्यादा हार्ट के केसेस देखते हैं, हार्ट अटैक के केसेस एज कम्पेयर टू फीमेल्स। क्या उनमें ज़्यादा ताकत है, उनकी एनर्जी मेरिडियन बेहतर है, उस प्राकृतिक रूप से ऐसा है क्या है? आशीष जी कई वैज्ञानिकों ने इस पे शोध किया है और अभी भी शोध निरंतर चल रहा है कि जो महिलाएं हैं उनके सोचने के तरीके अभिन्न हैं, उनकी भावनाएं की उनकी जो भावनाएं हैं वो भिन्न तरीके से वो संचालित करते हैं और उनकी सोच भी भिन्न होती है। ये कॉरपोरेट के ट्रेनिंग्स में भी कई बार बात निकल कर आई है। बुद्धि में ब्रेन में एक स्थान होता है एमिग्डाला। एमिग्डाला का काम है इमोशंस को फिल्टर करके ब्रेन अर्थात दिमाग, भावनाओं को दिमाग तक संचालित करने की प्रक्रिया। इसमें यह देखा गया है कि महिलाओं का जो मैनेजमेंट है प्रबंधन है भावनाओं को बुद्धि तक ले जाना फिल्टर करना और मस्तिष्क के जो सारे संकेत हैं उनको पुनः हृदय में लाना, हृदय पुनः जटिल तरीके से उसको मस्तिष्क में भेजता है और जो एमिग्डाला जो एक स्थान है ब्रेन में जिस ग्रंथि का काम है इसको संचालित करना, ये महिलाओं में बहुत सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत पाई गई है। अरविंद जी आमतौर पर देखा गया है कि दिल खुश होता है तो आपका मस्तिष्क भी संतुलित रहता है, शरीर भी संतुलित रहता है, ये सब कुछ एक तरह से देखा जाए सब कुछ नॉर्मल होता है। योगा में ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट एनर्जी मेरिडियन है इसमें सुदृढ़ता आए, उसमें सॉलिडनेस आए, मतलब कुछ तो दिखे उसमें बढ़िया? एक तो योगा में वैसे मेरा मानना यह है कि जितनी भी आपकी योगा की पोजेज हैं उसमें हार्ट एनर्जी मेरिडियन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होती रहती है क्योंकि रक्त संचार हार्ट ही नियंत्रित करता है। परंतु अगर विशेष रूप से देखना चाहेंगे तो आप अनहत आसन और अलोम और विलोम, ये दो आप योगा के पार्ट हैं जिनको आप अगर करते हैं नियमित करते हैं या सप्ताह में 3 दिन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो आपकी हार्ट एनर्जी मेरिडियन है उसमें संतुलन बना रहेगा। तो साथियों जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया और कैप्टन अरविंद सिंह जी से जाना, हार्ट सिर्फ रक्त का पंपिंग स्टेशन भर नहीं है, आपका दिल खुश है तो आप बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। सनातन सत्य के अगले एपिसोड में हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एनर्जी मेरिडियन के बारे में, जैसा नाम वैसा ही रहस्य, ये खुलेगा सनातन सत्य के अगले एपिसोड में।
आप अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। फिलहाल के लिए मुझे और अरविंद सिंह जी को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।